तो हे गाइस, दिस इज सनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बी सनी। सो आज फनी नितेश तिवारी डायरेक्टेड फिल्म बवाल का टीज़र आ गया है एंड पर्सनली मुझे ये टीज़र बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगा। स्टोरी के बारे में बिल्कुल ही आइडिया नहीं लग पा रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली है। एंड जैसा हमने पोस्टर में भी देखा था कि वैसे ऊपर से देखने में तो एक सिंपल सी लव स्टोरी लग रही थी, पर जब हमने पोस्टर के नीचे में देखा तो एक वॉर सीन था। सो इससे पता चलता है कि ये फिल्म जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। आज के टाइम पे जो बहुत ही ज़्यादा क्लीशेड सी लव स्टोरीज आ रही है उससे तो बहुत ही ज़्यादा हटके ये फिल्म होगी। एंड क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी इस फिल्म से बहुत ज़्यादा हाई है। एंड वरुण धवन की परफॉर्मेंस भी इस फिल्म में बहुत ही अच्छी होने वाली है ऐसा मुझे पता है, क्योंकि ये जो करेक्टर है ये थोड़ा बहुत सिमिलर है उनके डैन वाले करेक्टर से जो हमने अक्टूबर में देखा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, वरुण धवन इस टाइप के जो सीरियस रोल्स होते हैं उनमें काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने बदलापुर में भी देखा था। सो इसके टीजर से भी मुझे ये तो पता लग चुका है कि इसमें डायरेक्शन काफी कमाल की होने वाली है एंड वरुण धवन की परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। एंड रही बात जानवी कपूर की, तो क्योंकि डायरेक्टर नितेश तिवारी है तो वो उनसे भी काफी अच्छा काम ले ही लेंगे। एंड मुझे लगता है आज के टाइम पे एक बॉलीवुड मूवी बिना अरिजीत सिंह के गाने के अधूरी है, तो इसमें भी हमें अरिजीत सिंह का गाना सुनने को मिलता है। इसके लिरिक्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, तुम्हें दिल निसार करते, तुम्हें जान सार करते, तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। सो ये लिरिक्स भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड जानवी कपूर का एक डायलॉग आता है, मैंने अपने रिश्ते को समझने में इतना वक्त लगा दिया, जब समझा तो खोने का वक्त आ चुका था। सो ये डायलॉग हमें मूवी की थोड़ी बहुत वाइब दे देता है कि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टोन को फॉलो करेगी, जो कि हम टीज़र देख के भी पता लगा सकते हैं। सो मुझे तो ये टीज़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड फिलहाल तो मैं ज़्यादा इंतजार कर रहा हूँ उसके ट्रेलर का, बिकॉज ट्रेलर से हो सकता है हमें और भी कुछ जानने को मिले इसकी स्टोरी के बारे में। एंड डेफिनेटली लोगों को ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि नितेश तिवारी ने इससे पहले कौन सी मूवी डायरेक्ट की है। उन्होंने छिछोड़े बनाए थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ एंड उससे पहले वो दंगल भी बना चुके हैं, जो कि इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म है, उसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाई। सो डेफिनेटली इस फिल्म में भी वो बहुत ही ज़्यादा हटके एंड यूनिक करने की कोशिश करेंगे एंड लोग उसे बहुत ही ज़्यादा रिलेट भी कर पाएंगे, बिकॉज वो जो फिल्में बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं होता उनका डायरेक्शन एंड लोग उससे बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर जाते हैं। वैसे ये लोग इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ कर रहे हैं अमेजॉन प्राइम पर, बट मेरे हिसाब से इस फिल्म को ये लोग को थिएटर में रिलीज़ करना चाहिए था, बिकॉज फिल्म तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है एंड क्योंकि आज के टाइम पे ऐसी लव स्टोरीज चल भी रही हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी इमोशनल है, बट आई थिंक अगर लोग कनेक्ट कर जाते तो लोग डेफिनेटली इस फिल्म को जाकर के देखते थिएटर में। और कोई बात नहीं, ओटीटी पर आ रही है तो भी देख ही लेंगे हम लोग। तो सो ओवरऑल मुझे टीज़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोगों को टीज़र कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।